नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां सीखते हैं आप कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो इसमें हम आपके साथ वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, और वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में हम आपके साथ बात करेंगे यूजर फॉर्म की। तो मेरे सामने एक डेटा है, मुझे इस डेटा को यूजर फॉर्म के ऊपर लिस्ट करना है। तो मैं एक विजुअल बेसिक पे जाता हूँ, इंसर्ट करता हूँ अपना यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म में हम अपने फॉर्म को बड़ा करते हैं। जी हाँ, रखिए। अब मैं यहाँ पे एक कॉम्बो बॉक्स लेता हूँ, और फिर मैं यहाँ पे एक नाम लेता हूँ, उसके बाद यहां हम एक लिस्ट बॉक्स लेते हैं। तो अब करना यह है कि जैसे मैं रन करूंगा, मेरे जितने भी नेम है वो नेम यहां आना चाहिए, और जिस नेम को सिलेक्ट करूंगा उसका डेटा मुझे यहां पे दिखना चाहिए। तो हम करना क्या चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है सीट वन का, ये पूरा डेटा आना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसकी इसमें से नेम उठाना चाहूंगा, लेकिन नेम रिपीटेड है, मुझे इसका यूनिक लिस्ट हमें यहां इस पे उठाना है। तो मैं एक बार यूजर फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूं, और यहां क्लिक की जगह पे इनिशियलाइज करता हूं। जब यूजर फॉर्म ओपन होगा तो लिस्ट बॉक्स में ये चीज आना चाहिए। तो यहां पे हम देते हैं डिम डीटी एज ए न्यू कलेक्शन, यहां पे डिम देना होगा, डिम की जगह पे। हाँ, बाद यहां पे हम देते हैं लूप कि फोर आई इक्वल टू चले टू से, टू से कहां तक चले, टू से चले 56, लेकिन लास्ट से एंड कर देता हूं मैं। तो यहां देता हूं रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सएलएस अप डॉट रो, और यहां पे नेक्स्ट के साथ आई देते हैं। उसके बाद करते हैं डी टी डॉट एड। अब एड में आइटम, कौन सा आइटम ऐड करना है, तो हमने बोला रेंज, रेंज दे दू ए के साथ, हमने आई को कंपेयर किया डॉट वैल्यू, और यहां पे की किस फॉर्मेट में, तो इसी को मुझे एस एसटीआर चेंज करके मुझे डालना होगा। ये पूरा एम पूरा कॉपी करके डालेंगे इसमें। अब इसमें दिक्कत ये है कि जब भी ऐड होगा तो इसमें हमने न्यू कलेक्शन क्यों किया, क्योंकि न्यू कलेक्शन क्या करता है कि किसी भी तरह का डुप्लीकेसी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर डुप्लीकेसी आता है तो एरर देगा। तो यहां पे देते हैं ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, तो एरर देगा। फिर डीटी के ऊपर जो भी रिकॉर्ड है उसको मैं यहां पे लूंगा फोर एच आइटम इन डीटी, और फिर यहां पे करेंगे कि मी डॉट कॉम्बो, यहाँ पे मी डॉट कॉम्बो बॉक्स वन डॉट एड आइटम, और फिर यहाँ पे कर देते हैं आइटम, फिर नेक्स्ट आइटम। अब जैसे मैं इसको यहां से हम प्ले करेंगे, यहां से हम प्ले करेंगे यूजर फॉर्म के अंदर, इसमें सारे के सारे नेम आ जाएगा लिस्ट। यहां पे खूबी है कि एक नाम एक ही बार आएगा, और जैसे हमने पूजा को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ पूजा का डेटा ही आएगा, बाकी डेटा यहाँ पे नहीं आएगा। तो उसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। सबसे
सबसे पहले तो हमारा जो लिस्ट बॉक्स है, इसमें इसका जो लिस्ट है इसमें कुछ सेटिंग करना पड़ेगा। कॉलम काउंट वन, तो कॉलम काउंट वन क्योंकि इसमें कॉलम कितने हैं, इसमें कॉलम है 6-7 कॉलम है, तो मुझे यहाँ पे कॉलम की काउंट 7 करनी पड़ेगी। उसके बाद हेड है, हेडर है, हम बोल यस हेडर है टू। ओके, अब फिर इसमें अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइज में ही हमने एक काम और करना था यहाँ पे, तो आई इक्वल टू चले 1-7 और नेक्स्ट यहाँ पे हमें देना है मी डॉट लिस्ट बॉक्स डॉट लिस्ट। लिस्ट में हमने बोला 0 रो 1 कॉलम। वैल्यू एरे के थ्रू करना पड़ेगा, तो हम यहां पे लिखते हैं डिम ए आर कॉमा 1-7। लूप लगाते हैं कि 4i इक्वल टू 4i में 4j, j इक्वल टू चले 1-7 और सेल यहाँ पे नेक्स्ट j। फिर यहाँ पे हम करते हैं sr इक्वल टू सेल 1-j डॉट कंटिन्यूस में ऐड होता जाएगा और फिर लास्ट में मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1.list इक्वल टू हम कर लेंगे एस आर। इसको रन करते हैं, मार्क्स का हेडिंग आ गया ना, मैं जो इस पे सिलेक्ट करूं उसका डेटा दिखना चाहिए, तो इसके लिए मैं लिस्ट बॉक्स के ऊपर यहां भी सेम हमने जो इसको लिया है उसी को लेंगे हम, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। जो 1-7 है 1-1 के जगह पे मेरे पास 1-1000 है, तो 1-1000 हम ले लेते हैं। जा फिर यहाँ पे हम लगाते हैं कि 4i इक्वल टू चले
टू से रेंज 65,000 डॉट एंड एक्सेलस आप डॉट रो और यहां पे नेक्स्ट जे नेक्स्ट आई। फिर यहां पे हम करेंगे फोर जे इक्वल टू चले वन टू सेवन कॉलम के लिए और नेक्स्ट जे। फिर इसमें हम करेंगे एस आर और एस आर में करेंगे आई रो जे कॉलन इक्वल टू यहां देंगे सेल्स आई कॉमा जे। लेकिन इसमें हमें कंडीशन लगाना पड़ेगा, इसमें हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा। कंडीशन एक कि वो नेम मैच होना चाहिए ना, देखा इफ सेल्स वन वन नहीं आई आई रो वन कॉलन डॉट वैल्यू इक्वल टू मी डॉट कॉम्बो वर्क्स वन डॉट वैल्यू पर यहां पे प्रॉब्लम यह है कि आई जे तो चलो ठीक है बट आई में प्रॉब्लम है तो डिम आर एज ए इंटीजर। और यहां पे कंडीशन यहां पे नहीं रहेगा, एक कंडीशन चला जाएगा इफ के बाद कि इफ कंडीशन ट्रू होगा तभी जे चलेगा। और यहां पे हम दे देते हैं r इक्वल टू r प्लस 1 और यहां पे r होगा। ये तो यहां पे तो i होगा पर क्योंकि इस ये तो सीक्वेंस ही आना चाहिए ना, ये तो रोल नंबर के अकॉर्डिंग चलेगा बट ये सीक्वेंस ही होना चाहिए ना। ये यहां पे एंड इफ ये प्रोग्रामिंग हमने गलत इवेंट पे लगाया है, हमें लिस्ट बॉक्स क्लिक नहीं कॉम्बो बॉक्स चेंज पे लगाना है, कॉम्बो बॉक्स वन उसके चेंज पे। और जैसे हम इसको प्ले करते हैं अभी कुछ नहीं आ रहा, अब इसमें हमने नीरस सेलेक्ट किया। हाँ एक छोटी सी गलती है, हमने ले तो लिया रिकॉर्ड लेकिन रिकॉर्ड सारा स्टोर है किसके ऊपर, एस आर के ऊपर, हमने उसको लिस्ट बॉक्स को तो नहीं दिया ना। तो लास्ट में करेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू एस आर और फिर प्ले करते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पे पूजा सेलेक्ट करेंगे तो पूरा पूजा का रिकॉर्ड हमें आ रहा है, पूरा रिकॉर्ड पूजा का है। नीरज सेलेक्ट करते हैं तो नीरज का आता है पर प्रॉब्लम क्या है, इसके ऊपर जो है इसके ऊपर हेडिंग नहीं आ रहा। अब हेडिंग क्यों नहीं आ रहा, हमने हेडिंग के लिए यहां दिया तो है। ओ ये रिपीट कर दिया मैं ऊपर में, ये सही हो जाएगा यहां पे r इक्वल टू r प्लस 1 करना क्योंकि उसी रो को रिपीट कर रिप्लेस कर रहा है क्योंकि r यहां पे 1 है इसलिए। अब मैं इसको करता हूं, अब मैं इसमें डालता हूँ यहाँ पे पूजा, तो ये पूजा का रिकॉर्ड आ गया। इसमें एक और फॉर्म कर सकते जैसे हेडिंग इसको ट्रू है कॉलम हेड्स इसको मैं यहाँ से फॉल्स करता हूँ। अब कॉलम बिर्थ मैं इसको यहाँ पे आता हूँ तो आप देखिए अब सही लग रहा है। तो जो सिलेक्ट करेंगे वही डेटा यहाँ पे फिल्टर होके आएगा। अब मान लीजिए मुझे इस पर कुछ चेंजिंग कर रहे हैं तो डबल क्लिक करके एक अलग यूजर फॉर्म ओपन हो सकता है, उसमें हमारा चेंज हो सकता है। तो ये चीज़ें हम आपको अगली क्लासेस में सिखाएंगे, अगली क्लास में हम कैसे इसको चेंज करेंगे इसके बारे में हम आपको अगली क्लासेज में समझाएंगे।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी तरह का डाउट हो तो मुझे कॉल जरूर कीजिएगा। थैंक्स।